ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कि प्रीलिम्स में आ जाए तो यू विल बी एबल टू डू इट अगर आपने यहां पे उस टॉपिक को कवर कर रखा है ऐसे ही एक बहुत टेंजिबल सा टॉपिक है वो हमारे सामने आया अभी एक टर्म term, टर्मिनोलॉजी है वो टर्म आपको बताने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपको याद होगा कि बचपन में आपका एक ट्वेंटी रुपीज का चिप्स का पैकेट आता था, था राइट आज भी वो पैकेट ट्वेंटी का ही मिल रहा है फ्रूटी एंड इस टाइप के प्रोडक्ट्स ये दस रुपए के थे ये आज भी दस रुपए के मैगी दस रुपए की पहले आज भी दस रुपए की तो रेट नहीं बढ़ रहा है ऑन दी अदर हैंड वी सी देर इज इन्फ्लेशन यार इन्फ्लेशन है बट यहां पर इन्फ्लेशन दिख नहीं रही है टर्म विच इज कॉल्ड श्रिंक फ्लेशन इट इज न्यू टर्म एंड प्रोबेबली यूपीएससी कैन पुट सम क्वेश्चन ऑन इट और मे uh, बी जैसे वो चार ऑप्शन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन फ्लेशन या कुछ इस टाइप के टॉपिक उसमें आ सकते हैं लेट्स मूव ऑन थोड़ा समझते हैं विथ सम एग्जाम्पल्स आपने ये देखा होगा कि अगर आप कैडबरी या कोई भी चॉकलेट लेते पहले इट यूज टू हैव दिसल पैकिंग फॉइल प्रिजर्व द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट बट नाउ इट डज नॉट हैपन

इवन दॉक्स का साइज उतना ही रहेगा लंबाई में बट छोटा सा बहुत मार्जिनल चेंज कर दिया एंड साइज इज रिड्यूज सो दिस इज हाउ दिल प्रॉब्लम ऑफ इनफ्लेशन लेट सी इसके एस्पेक्ट देखते हैं श्रिंक फ्लेशन इज वेन अट डाउन साइज इज इट्स क्वांटिटी वाइल कीपिंग द प्राइज द सेम यह हमें समझ में आ गया है. और डाउन साइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन टू ऑफ सेट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बट कीप रिटेल प्राइस इज द सेम कि इनपुट कॉस्ट जो है हमारी जो इनपुट कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई है पर हमारा जो रिटेल का वो है प्राइस है है ना उसको हमने स्टेटस को रखना है उसको मेंटेन करके रखना है राइट सो कहां पे कटौती होगी कि हम जो प्रोडक्ट है हम उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाए Right, very simple idea is nothing nothing complex about it. An increase in the cost of input materials and intense competition results in shrinkflation. These angles effects. Since container and vessel sizes are reduced by extremely minor quantities, shrinkflation tricks the consumer into thinking that the brands they purchase are unaffected by inflation. A fake sense of satisfaction will be shrink. शन कैन अदर इन डिफरेंट वेज अदर देन चेंजेस इन क्वांटिटी कैसे कैसे बाय रिफॉर्मुलेटिंग और रिमूविंग इंग्रेडिएंट्स जैसे काजू बादाम वाले कोई बिस्किट है उसमें क्वांटिटी ऑफ बादाम कम हो जाएगी अभी भी दस का ही मिलेगा वो लेकिन इट इज नॉट द सेम दैट इट यूज टू बी तो इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेशन पहुंची है रिटेल प्राइस उतना ही रहा एज अ प्रोडक्ट चेंजेस इन क्वांटिटी बाय फॉर्मुलेटिंग और रिमूविंग इन्ग्रीडियंट्स वाइल मेंटेनिंग इट्स प्राइस टू कीप कंज्यूमर फ्रॉम टू डिफरेंट ब्रांड अभी ये देखो कंपनी को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो दिस इज वॉट दे आर डूंग्रिंग्लेन कैन लीड टू कस्टमर फ्रस्ट्रेशन एंड डिटीरेशन ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट टूवर्ड प्रोड्यूसर्स ब्रांड प्राइस पॉइंट बिकम मिसलीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह मेन्स ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है चलो फिर भी इसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं हाउ एवर इट इज टू द्वारा हम प्रिलियम्स के हिसाब से करते हैं प्राइस पॉइंट बिकम मिसलीडिंग वन दी बास्केट ऑफ गुड्स कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड बाई कंसिडरिंग प्रोडक्ट साइज आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि से कि बास्केट ऑफ गुड्स है कि ये कितने का है, वो कितने का कि उसके बाद में वी कंपेयर बट अगर फ्लेशन हो जाएगी वो उतने का ही रहा राइट बट क्वांटिटी कम होगी उसके अंदर तो ये इट कैन बी मिसलीडिंग थिंग फॉर कंज्यूमर फॉर फॉर अटर ऑफ फैक्ट एनी क्या सोल्यूशन है इसका ओवरऑल इन्फ्लेशन मस्ट बी टैकल्ड टू एड्रेस श्रिंगफ्लेशन ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट करो ये ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा इसके अंदर आई एम नॉट पुटिंग एनी क्वेश्चन बिकॉज फ्लेशन के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि वॉट इज फ्लेशन एंड राधर देन थिंकिंग ऑफ थ्री रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड गिविंग यू वन राइट स्टेटमेंट आई हैव प्रोवाइडेड यू विद मनी राइट एंड राइट स्टेटमेंट्स एंड मनी एंगल्स जिसके थ्रू आप ये टॉपिक समझ सकते हैं देर इज नो नीड टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन फॉर दिस वन माई नेम इज रोहित करचा दिस इज अभिमन्यू आई ए एस थैंक्स फॉर वॉचिंग